जब भी आपने नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन जी एन बताने होंगे तो वो जस्ट सिंपल इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिवाइसेस के। क्या मतलब इसका, देखें बाय एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल अगर मैं यहाँ पे जी टेन की बात करूँ, अगर इसके अंदर हमने बताने हैं नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कि इसके अंदर टोटल कितने प्राइम आइडियल्स होंगे, और बेसिकली ये भी हम देखेंगे कि वो बेसिकली होते कौन से हैं। तो देखें सबसे पहले देख लें वो होते कितने हैं, तो वो आपने ऐसे बताने हैं कि इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है कि देखें 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 5। तो देखें डिस्टिंग कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन जी टेन आर 2। इसके अंदर मतलब कि 2 प्राइम आइडियल्स आपके आ जाएंगे। अच्छा अब वो होंगे कौन से, तो वो आपने ऐसे फाइंड करना है, टोटल हैं तो 2, तो वो 2 हैं कौन से, तो आपने इस 2 से सेट को जनरेट कर लेना है और इस 5 से भी सेट को जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन से आ रहे हैं अंडर मॉडुलर 10 से अगर आप जनरेट कर लें तो बेसिकली आपसे आपके पास ये जी 10 के अंदर आइडियल्स आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पे 2 से मैं सेट अगर जनरेट करूँ अंडर मॉडुलर 10 के अंदर, तो ये 0 2 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, देन 8 जाएगा। और अगर हम 10 राइट करें तो ये अगेन हमें आइडेंटिटी 0 एलिमेंट देगा, तो रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। तो जस्ट सिंपल देखें ये 2 आपके पास प्राइम आइडियल्स आ गए हैं जी 10 के अंदर। अच्छा अब कुछ और हम ले लेते हैं, जैसे मैं जी 5 की बात करूं, तो देखिए 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये अगेन 5 × 1, तो 5 ही आ जाती है, 1 ही आ जाती है, तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स जो होंगे वो जस्ट ओनली 1 होगा। तो जब भी आपके पास यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ जाए तो उसका जो प्राइम आइडियल होता है वो हमेशा हमेशा 1 होता है, और वो होता कौन सा है, वो हमेशा हमेशा आपके पास 0 ही होता है। तो जब भी आप देखें इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारी ये फील्ड बनाती है, हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। तो जब भी आपका यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए तो उसके नंबर ऑफ जो आपके प्राइम आइडियल्स होंगे वो ओनली 1 ही होगा, और वो 1 कौन सा होगा, वो हमेशा 0 होगा। सेम अगर मैं यहाँ पे Z23 की बात करूँ, इसके अंदर भी प्राइम आइडियल्स होगा 0 होगा। कोई भी आप यहाँ पे अगर लगा देते हैं प्राइम नंबर तो उसके अंदर प्राइम आइडियल्स होगा जस्ट ओनली 0 होगा। बाकी बच के आपके कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स के लिए आपने हमेशा हमेशा ये फर्स्ट वाला मैथड यूज़ कर लेना है।